हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है आशीष पांडे और आप देख रहे हो आशीष टेक्निकल गोरखपुर। दोस्तों, आज हम प्रिज्मा 3 के कुछ फैक्ट बताने वाले हैं जो कि आपको पता हो या ना पता हो, जिनको ना पता उनके लिए वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहले हम जानेंगे लूप कट डालना। कितने लोग को पता नहीं रहता, जब मैं बताता हूँ कि भाई जी इस में लूप कट डालो, उसमें लूप कट डालो, पता नहीं चलता है। तो सबसे पहले हम वो बताएंगे, मान लीजिए हम एक क्यूब लेते हैं, ठीक है? तो नॉर्मली हम एक एक चीज़ बताएंगे, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, फिर भी बताएंगे जिनको नहीं पता उनके लिए। तो हमें एक क्यूब ले लिया, ठीक है? हमें इसको थोड़ा सा, जैसे कि एक चीज़ दिखा रहे हैं, हम इसके एडिट मोड में चलते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए जो डब्बा है यहाँ पर ले लिया एडिट। तो मान लीजिए हमको किसी एक चीज़ को हिस्से के निकालना हो या किसी एक चीज़ को निकालना रहता है, तो हमको उसमें लूप कट डालना पड़ता है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट में से और ऑब्जेक्ट निकालना, उसके लिए हमें लूप कट डालना पड़ता है। तो हम लोग बढ़ाने के लिए देखिए, अभी जैसे कि हम नॉर्मली अगर इसको हम बड़ा करेंगे तो हम देखिए, एक मिनट, ऐसे हम बड़ा करेंगे, देखिए ऐसे हम बड़ा करेंगे, ठीक है? लेकिन लूप कट डालने से क्या है कि हम ऑब्जेक्ट को बिना छेड़े उसमें से और सारे ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं, तो इसलिए हम लोग को डालते हैं, ठीक है? तो इसको हम नॉर्मली करते हैं, जैसे कि बता दिया कि नॉर्मली एक ऐसे बड़ा करना होता है। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्ट में से ये ऑब्जेक्ट निकालना हो तो हम डालते हैं लूप कट, ठीक है? तो वगैरह वगैरह जो भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे कि हम मान लीजिए हमें एक चीज़ बनाना है, ऐसे नॉर्मली चीज़ बनाना है हमें, मान लीजिए ऐसा इस टाइप का एक चीज़ बनाना है, ठीक है? तो हम लूप कट नहीं करके हम लोग ऐसे करते हैं, लेकिन सिंपल से बता रहे हैं आपको। अगर आप देखिए, मैं एडिट मोड में आ गया, हम एक देखिए यहाँ पे एक पेंसिल लगा के ऐसे करेंगे, हम यहाँ पे एक ऐसा ले लेते हैं, ठीक है? ले लिया। अभी हम इसके फेस को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? इसके एक फेस को सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ पे मेज साइड बनाया, यहाँ पे देख सकते हैं मेज बनाया। आप वाइट चीन देखिए, ऐसे खींचेंगे तो हमारा ऐसे ऑब्जेक्ट निकल गया, ठीक है? अभी इसमें से निकालने को हम ऐसे कर, तो हमें दो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम एक ही ऑब्जेक्ट से जो भी बनाना चाहें हम बना सकते हैं, ठीक है? तो हमारा ये हो गया। अभी आप, ठीक है, आप ऐसे कहीं से किसी भी करके कुछ भी करके निकाल सकते हो। ये है लूप कट डालने का, या लूप कट का यूज करने का ये तरीका, ठीक है, वगैरह। अभी हम देखते हैं की फ्रेम में, जैसे मान लीजिए हम की फ्रेम कर रहे हैं, ठीक है? आप एनिमेशन करो, की फ्रेम लगा रहे हो, तो आप लगाते लगाते क्या करते हो, बहुत आगे चले जाते हो, ठीक है? जैसे कि हम की फ्रेम लगा देते हैं, ठीक है, लगा दिया वगैरह वगैरह, यहाँ पे हो गया, ठीक है? तो जब हम की फ्रेम कॉपी करते हैं, ठीक है, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो आप देखते होंगे कि एनिमेशन में थोड़ा सा दिक्कत आ जाए, जैसे लगता है कि ये चीज़ फिर से वही स्टार्ट हो रहा है। तो मान लीजिए आप कोई भी जब कॉपी कर रहे हो, तो देखिए मान लीजिए मैंने कॉपी कर ली, तो आपको पेस्ट कहाँ से करना है दिखा रहा हूँ, जहाँ पे जो लास्ट की फ्रेम गया है वहाँ से नहीं करना है। आपको क्या करना है बता रहा हूँ, आपको पैक करना है पहले, ठीक है? आपको कॉपी पेस्ट वहाँ से करना है जहाँ पे उसका लास्ट ख़त्म हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मेरा लास्ट था, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट है, यहाँ पे हम इसको कर देंगे पेस्ट, ठीक है? ये लास्ट रहा, यहाँ पे हम इसको कर देंगे पेस्ट। इससे क्या होगा, एनिमेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप देखिए एकदम ऐसे लगेगा कि यहाँ कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है? दूसरी बात, आप जब भी एनिमेशन करते हो बहुत आगे चले जाते हो, ठीक है? जैसे कि बता, जैसे मान लीजिए हम एनिमेशन करते करते की फ्रेम लगाते लगाते बहुत सारे आगे आ गए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आ गए, हमने यहाँ पे की फ्रेम लगा दिया, ठीक है? तो अभी आपको क्या ज़रूरत है, आपको अभी जीरो फ्रेम पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको जीरो फ्रेम से ज़रूरत है। तो आप क्या करोगे, मान लीजिए यहाँ पे हमने की फ्रेम लगा दिया, ठीक है, मालिक बात बता रहे, तो हम यहाँ पे की फ्रेम लगा दिया, एक मिनट, मान लीजिए यहाँ पे की फ्रेम हमको जीरो फ्रेम, तो आपको करना क्या है, आप देखो इसको सेलेक्ट करोगे, ठीक है? इसको जैसे सेलेक्ट करोगे, देखिए मैंने सेलेक्ट किया, फिर आप देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे टाइप करोगे तो आप देखो जीरो पे आ गए। तो ऐसे आपको की फ्रेम अगर बहुत आगे चले गए, अगर आपको आना है तो आपको लास्ट वाला की फ्रेम पे सेलेक्ट करना है, और नेक्स्ट पे करोगे तो आप तुरंत डायरेक्ट जीरो पे आ जाओगे। तो इससे आपके क्या होगा, आपका टाइम ही बचेगा और आप सही समय पे आ भी जाओगे जीरो फ्रेम पे वगैरह, ठीक है? तो दूसरा चीज़ तो ये हो गया। अब तीसरा चीज़ हम आपको बताते हैं, ऐसे मान लीजिए बहुत सारे एनिमेशन करते हैं, ठीक है, वो मान लीजिए एनिमेशन करते हैं 1 से 10 तक, 1 से 3 फ्रेम लगाते हैं, 1 से 21 तक, फिर वो एनिमेशन करते करते बहुत आगे चले जाते हैं। तो उनको जैसे कि मान लीजिए ज़रूरत है 1 से 20 का रेंडर करने के लिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एनिमेशन की फ्रेम लगा दिया, अभी हम रेंडर करेंगे तो हम 0 से 21 तक रेंडर करेंगे, ठीक है? तो हम एक मिनट यहाँ पे कर देते हैं 21, तो हम यहाँ पे कर देते हैं रेंडर, हमें यहाँ तक 21 तक हो गया, ठीक है? ये मान लीजिए मेरा 21 हो गया। अब हमें मान लीजिए आप आगे करते, आप आगे चले गए 250, 500, 600 कितना भी चले गए, ठीक है? तो अगर वहाँ आप की फ्रेम कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मान लीजिए हम यहाँ पे एनिमेशन दे रहे हैं, कुछ बस एग्जांपल के लिए एनिमेशन दे रहे हैं आपको, तो मान लीजिए अभी क्या है, अभी आप जब प्ले करोगे तो स्टार्टअप से आएगा, तो आप जो रेंडर कुछ लोग क्या करते हैं, रेंडर क्या करते हैं, करते हैं जीरो से कर देते हैं, ठीक है, जीरो से कर देते हैं 500 तक, भले उनको चाहिए 216 से
बता रहा हूँ आपको, उनको 216 से 258 तक चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं, उनको रेंडर करते हैं तो वो जीरो से कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ 0 से 21 किया था, वो क्या करते हैं 0 से 258 तक कर देंगे, फिर वो एडिटिंग करते समय उसको कट करेंगे, फिर उसमें से जो उनको चाहिए वो निकालेंगे। लेकिन नहीं, हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने डाल दिया कितना 216 257, ठीक है, अभी हमारा रेंडर 216 से 257 ही होगा। आपका एक टाइम ये भी बच गया, आप देख सकते हो ना हम कहाँ थे, कहाँ से आप रेंडर कर सकते हो, ठीक, ये भी एक चीज़ हो गया। आप कुछ लोग पूछते हैं भाई रात का जो समय है वो कैसे करते हैं, नॉर्मली हम लोग कुछ खास तो कर नहीं सकते, लेकिन कैमरा से कैमरा लेंगे और उसको जो लाइट चेंजिंग है उसको ब्लैक कर देंगे, इससे आपको राइट का थोड़ा सा मतलब नाइट का फील आ सकता है, ठीक है, आपको लग सकता है कि नाइट है, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको हम खास बताते हैं, ठीक है, मान लीजिए हमने कैमरा लिया हुआ है, ठीक है, हम कैमरा को टैप करते हैं, देखिए रेंडर पे आ गए, इसको हटाइए एक मिनट, जीरो कर देते हैं पहले इसको। अभी मान लीजिए हमने कैमरा ले लिया, ठीक है, आप कैमरा इसके लाइट वाले जो भी कलर में आ गए, अभी हम मान लीजिए हम यहाँ पे रेंडर पे टैप कर दिए, अभी देखो मैं यहाँ पे कलर को ऐसे वैसे ऐसे ऐसे वैसे कर रहे हैं, रेंडर हो रहा है ना, रेंडर होने के बाद आपको दिखाते हैं चमत्कार, आप देख सकते हो रेंडर होने के बाद बिल्कुल वीडियो इस तरह भी बन सकता है, आप देख सकते हो कलर भी चेंज हो रहा है पीछे, ऐसे लग रहा है जैसे बिजली, अगर बाई चांस आपको बिजली वगैरह अगर कड़काना है, जैसे मतलब लगे कि आप बिजली को थोड़ा सा इफेक्ट देना है, तो आप ऐसे भी एक काम कर सकते हो, वाइट को थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे करोगे कलर तो आपको ऐसा आएगा। तो अभी आपको ये जो छोटी सी 3 जानकारियाँ जो भी जानकारियाँ थी, अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि बेहतरीन होने वाली है, एक सीरीज होने वाली है, ठीक है, फिर से हम सीरीज एक चालू करने वाले हैं मेक जो का ही, क्योंकि हम मेक जो का ही असल में वीडियो बनाते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ टेक केयर।